Hello guys, I welcome you all to my channel, and now we're going to discuss about unit 3 of class 4th from the NCERT book. So we're going to begin this. Let's start it. So it is about Run and Nasruddin's aim. So there are two stories. Let's begin it one by one. The first one is Run. Away from the city and into the sun. Bhag jao is shahar se sun ki taraf. Out to the country. Country se bhi. Run. Run in the raindrops. Chalo. Barish ke. Boondo ke beech chale. Run. Neath the trees. Neath. Yahan ye word important hai. What is the meaning of neath in नीथ द ट्रीज? तो जी नीथ का मतलब होता है नीचे या तले. तो पेड़ों के तले या पेड़ों के नीचे हम चले, ये जाने के लिए बोल रहा है. ये नीथ एक नाउन है. नीथ द ट्रीज. रन लिटिल रेसेस, छोटी दौड़ करते हैं. विद ईच लिटिल ब्रीज. अब ये ब्रीज का मतलब क्या है? ईच लिटिल ब्रीज, हर एक छोटी ब्रीज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीज हियर? लेट्स फाइंड आउट. तो जी ब्रीज एक नाउन होती है और ब्रीज होती है मंद हवा. इट्स जस्ट अपोजिट टू स्टॉर्म. अ स्टॉर्म, इन अ स्टॉर्म देयर इज अ वायलेंट एयर, वायलेंट विंड. एंड व्हेन वी कॉल अ सॉफ्ट एंड माइल्ड एयर, वी विल कॉल व्हाट वी कॉल्ड इट, वी कॉल इट ब्रीज, राइट? सो अ वेरी माइल्ड एयर इज कॉल्ड ब्रीज. रन डाउन द हिल साइड, चलते हैं हील की तरफ, जहां पर हील्स हैं. तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. रन डाउन, इसका क्या मतलब होता है रन डाउन का? चलिए देखते हैं रन डाउन का क्या मतलब है. लेट्स फाइंड आउट. देखिएगा, वैसे रन डाउन का मतलब होता है कि आलोचना करना, धक्का मारकर गिराना या बंद पड़ जाना या मंदा पड़ना, ये सब होता है. लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि हम भाग चले कहाँ? हील साइड, पहाड़ियों की तरफ. रन अप द लेन. अब देखिए ऊपर में होता है रन डाउन का मतलब आलोचना करना होता है, हालांकि उस सेंस में यूज नहीं हुआ. रन अप का मतलब क्या होता है? तो जी रन अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना, ठीक. और लेन का मतलब क्या होता है? एल ए एन ई, लेन. लेन का मतलब होता है गली. रन अप द लेन, उस गली में, ठीक है, उस लेन में. रन थ्रू द मेडो. मेडो इसके बारे में देखेंगे. रन थ्रू का मतलब क्या होता है? देखिए वैसे रन थ्रू का मतलब होता है दोहराना या फिर खत्म कर डालना, समाया हुआ होना, इस तरह से रन थ्रू का मतलब होता है. लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि हम मेडो से गुजरे, से भागते हुए जाएं, ठीक है ना. ये मेडो जो होता है इसका क्या मतलब है? तो ये मेडो जो है इसका मतलब है घास का मैदान. तो हम घास के मैदान के बीच में से भागते निकले, हम लेन में से भागते निकले, हम डाउन द हिल चले जाएं, वहां पर भागे पहाड़ियों की तरफ. देन रन बैक अगेन, और उसके बाद वापस भागते आए. रन एंड बी मैरी, भागो और मैरी का मतलब होता है उत्साहित रहो या खुश रहो, राइट. सो ऑल द ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन यही करते रहो. ऑल थ्रू द डे, ऑल थ्रू मतलब पूरे दिन, हमेशा लगातार. रन टू द कंट्री, पूरे देश में भागो. अवे अवे, दूर दूर. नाउ देयर इज सम न्यू वर्ड्स. रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें. नीथ, इसको हम बीनीथ भी कहते हैं. सो नीथ द ट्रीज मतलब नीचे या तले में, ठीक है. बीनीथ भी आप कह सकते हैं. ब्रीज हो गया माइल्ड एयर, ठीक है, स्टॉर्म का जस्ट उल्टा. हिल साइड हो गया पहाड़ियों की तरफ. मेडो हो गया, मेडो हो गया घास का मैदान. और मैरी हो गया खुश. ये देख लीजिए सर, ये भाग रहे हैं बच्चे, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट our next story, and here we go. It is Nasruddin's aim. So one day Nasruddin was chatting with his friend. Chat करना मतलब बातचीत करना. तो वो कर रहा था बातचीत अपने दोस्तों के साथ. He began to boast. Boast करना मतलब होता है डींगे मारना, अपनी बड़ा चढ़ाकर अपनी बात कहना. He began to boast. उसने शुरुआत शुरू किया था, क्या, डींगे मारना शुरू किया था. No one can match my skill in archery. कोई भी
तीर अंदाजी में आर्चरी का मतलब होता है तीर अंदाजी। तो आर्चरी के अंतर्गत कोई भी मेरी बराबरी, मेरी स्किल्स की बराबरी नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है सर? स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई धागा या फिर कोई तार। तो आप इसको इस सेंस में यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं आई स्ट्रिंग द बो। तो यहाँ ये वर्ब इसको यूज किया गया है, तो यहाँ स्ट्रिंग का मतलब होगा आप जब मैं तार लगाता हूँ, टेक एन एम, और तब मैं कोई लक्ष्य साधता हूँ, एंड शूट एन एरो, और जब मैं शूट करता हूँ, छोड़ता हूँ एरो को, वी ओश द एयर, द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट। तो जो तीर है वो लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। बैंग ऑन का यहाँ क्या मतलब है? का टकराना। बैंग ऑन मतलब टकराना द टारगेट। तो बाण जो है वो टकराता है लक्ष्य तक। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज लेट्स स्क्रोल इट डाउन। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली बॉट ब्रॉट अ बो। अ बो वो होता है धनुष। ब्रॉट मतलब लेके आया, वो तुरंत उसका दोस्त गया ये सब सुनने के बाद, कुछ गया और एक धनुष लेके आया एंड सम एरो, और कुछ अपने साथ बाण भी लाया। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोज, देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट, और उसके बाद उसने एक टारगेट की तरफ इशारा किया। ही सेड एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, उस लक्ष्य को टारगेट करो और बाण छोड़ो। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, नसरुद्दीन ने उसको अपने हाथों से पकड़ा था। स्ट्रॉन्ग इट, स्ट्रॉन्ग मतलब कि उसने तार को बांधा, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो, लक्ष्य को देखा और बाण को छोड़ दिया। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन बाण लक्ष्य तक नहीं लगा। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, और वो रास्ते के बीच में ही कहीं गिर गया। फॉल फेल फॉलन, ये जो चीज है ये मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ। एक होता है फेल फेल्ड फेल्ड, ये होता है जब चीजें कोई जबरदस्ती गिराता है, लेकिन जब चीजें खुद गिर जाती हैं वो होता है फॉल फेल फॉलन। तो यहाँ फेल का यूज किया गया है, तो ये सेकेंड वर्ब है फॉल फेल फॉलन की। इस मीन्स वो अपने आप कहीं गिर गया, तो डिसेंड फ्रीली, ठीक है, कोई चीज गिरती है अपने आप, फॉल फेल फॉलन, कोई चीज गिराई जाती है फेल फेल्ड फेल्ड। ओके हाँ। हिज फ्रेंड स्टार्टेड लॉपिंग, उसके दोस्त हंसना हंसने लगे। दे सेड हे नसरुद्दीन इज दिस योर बेस्ट एम, क्या ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन टारगेट था, लक्ष्य था? ओह नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, सेड नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ। दिस वॉज ऑन माई एम, ये मेरा लक्ष्य था ही नहीं। इट वॉज अजाद एम, ये अजाद का एम था। आई जस्ट शोड यू हाउ द अजाद शूट एन एरो, मैंने सिर्फ तुम्हें, मैंने तुम्हें इतना ही दिखाया कि किस तरह आजाद जो है वो शूट करता है, वो एरो को छोड़ता है। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, और उसके बाद उसने दूसरा एरो लिया। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, उसने बो को तार को जोड़ा धनुष से, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर देन वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। इस वक्त, इस समय जो बाण था वो थोड़ा आगे गिरा पिछली बारी से, वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन वो फिर भी टारगेट को नहीं लगा। दे आस्क नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, और ये शायद वही तरीका है जिससे तुम एरो शूट करते हो। ऑफ कोर्स नॉट आर्ग्यू नसरुद्दीन, आर्ग्यू करना मतलब कि किसी से किसी बात पर कहा सुनी करना या बहस करना आप कह सकते हैं, तर्क करना, इस तरह से बहस करने को आप आर्ग्यू कह सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, उसने बहस करते हुए कहा, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, और यह भी मेरा एम नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये उस मुख्य गार्ड का एम था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, किसी ने टिप्पणी की, वेल नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अब अगला कौन है जिस, एक्चुअली नाउ ही हियरिंग दिस, अब जब उसने ये बात सुनी, ऑल द फ्रेंड बर्स्ट आउट लाफिंग। बर्स्ट आउट, आपको इसके बारे में समझने की जरूरत है, बर्स्ट आउट का मतलब क्या है? तो जी बर्स्ट आउट का मतलब होता है
इसका मतलब होता है अचानक हंस पड़ना, या फिर कह रहे हैं ना कि बरस कर हंस पड़ना, मतलब बरसना एक तरह से। तो बस्ट आउट क्राइंग, बस्ट आउट लॉफिंग। तो जब बस्ट आउट क्राइंग जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप बहुत ही जोरों से रोए, और बस्ट आउट लॉफिंग मतलब बहुत जोरों से आप हंसे। तो बस्ट आउट लॉफिंग, यहाँ इसका मतलब हो गया बहुत जोरों से वो हंसे अचानक से। नाउ नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने कुछ नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, और उसने चुपचाप एक और एरो पकड़ा। एंड अगेन एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और इस टाइम वो काफी भाग्यवान रहा। द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट, बाण सीधा जाकर लक्ष्य पर लगा। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, स्टेयर करना मतलब होता है घूर कर देखना, और सभी लोग स्टेयर करने लगे, घूर कर देखने लगे नसरुद्दीन की तरफ। देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, अमेजमेंट होता है कि आश्चर्यचकित हो जाना। अगेप इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है मुंह खोले, माउथ अगेप इन अमेजमेंट, यानी उनके मुंह खुले के खुले रह गए। अगेप का मतलब होता है आश्चर्य से मुंह खोले हुए। नाउ बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन सेड ट्रायम्पेंटली, ट्रायम्पेंट, ट्रायम्पेंट होता है जीतना, ठीक है। ट्रायम्पेंटली का यह मतलब हो गया कि, ट्रायम्पेंटली का यह मतलब होता है कि इट इज एन एडवर्ब, और इसका मतलब होता है विजयी भाव से, मतलब क्योंकि वो जीत गया था उस भाव से उसने। डिड यू सी दैट, क्या तुमने वो देखा? इट वॉज माई एम, वो था मेरा टारगेट। कुछ वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। चैटिंग मतलब मैंने आपको बताया था कि चैटिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बातचीत करना। आर्चरी हो गया धनुष्वान से, स्ट्रिंग हो गया तार, और बैंग हो गया हिट करना, टारगेट हो गया एम, डिपेंडिंग हो गया किसी चीज का बचाव, अमेजमेंट हो गया आश्चर्यचकित, ट्रायम्फेंटली हो गया विजयी भाव से। तो दिस इज इट फॉर टुडे।